दीपावली और धनतेरस से पहले नकली मिठाई और नकली मावे का कारोबार बहुत तेज हो चुका है हर साल की तरह। मिलावटखोर आपकी जान से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। आजमगढ़ में छापेमारी के दौरान 50 क्विंटल नकली मावा बरामद किया गया, जिसको कि जहरीले केमिकल से तैयार किया जाता था, और शहर की कई नामी गिरामी दुकानों में इन मावों की सप्लाई हो रही थी। ये छापेमारी देर रात की गई आजमगढ़ में, और उसी के दौरान पुलिस ने नकली मावा फैक्ट्री से सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, सल्फर ऑक्सीलेट और भारी मात्रा में पेंट बरामद किया। आप सोचिए, पेंट का इस्तेमाल करते हुए और इन खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करते हुए नकली मावे को तैयार किया जा रहा था, जिसको अगर आप खाते तो आपकी सेहत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्हीं जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाते हुए नकली मावे को तैयार किया जाता है। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से कई लोगों को हिरासत में लिया। एएसपी ने केमिकल युक्त मावे पर क्या कहा, अब ये आपको सुनना चाहिए। आजमगढ़ की पुलिस टीम ने यहाँ छापा मारा है। यहाँ पे लगभग 50 क्विंटल बना बनाया खोआ मिला है, जो नकली बनाया जा रहा था, और इसमें केमिकल्स और पेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था बनाने के लिए, जिसमें से भारी मात्रा में पेंट बरामद हुआ है। सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट इसमें बरामद हुआ है, जिसको मिलाकर ये खोआ तैयार कर रहे थे। इसमें कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है और कई नामी ग्रामी मिठाई वालों को ये सप्लाई किया जा रहा था। तो अब इस कार्रवाई के बारे में बताता हूं आपको, जहां 50 क्विंटल यानी लगभग 5000 किलो नकली मावा जब्त किया गया। ये 5 घंटे तक कार्रवाई चली है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई ऐसी चीजें मिली जिनको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को पेंट के डब्बे वहां पर मिले। मावे में खतरनाक केमिकल मिलाए जाते थे। मिठाई में सोडियम फॉर्मल्डिहाइड जैसा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुल 14 लोगों को पकड़ा गया। और खतरनाक बात यह कि आजमगढ़ में तैयार हो रहा यह नकली मावा आजमगढ़ की कई नामी गिरामी दुकानों में सप्लाई किया जाता था, जो मिठाई की दुकानें, और वहीं से हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर मिठाई की खरीदारी करने के लिए। यानी कि नकली मावा जहर बनकर लोगों के घर में लगातार पहुंच रहा था। अब सोचिए, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड और पेंट मिला हुआ मावे से बनी मिठाई खाने के बाद स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। इसके अलावा कार्रवाई हाथरस से भी हुई थी, जहां हाथरस में नामी गिरामी कंपनियों का के पैकेट्स के अंदर नकली घी भरा जा रहा था। पहचानना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, एक आम आदमी के लिए, कि नकली घी कौन सा है और असली घी का डिब्बा कौन सा है। वैसी तस्वीरें भी आजमगढ़ से भी सामने आ चुकी हैं, जहां 50 क्विंटल मावा और कोटपुतली से 5 क्विंटल नकली मिठाई बरामद की। Z News.